₹1500 किलो मिलता है। श्रीलंका की जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दवाई खाने पीने के सामान के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। कभी एशिया का खुशहाल देश माना जाने वाला भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इतना बड़ा आर्थिक संकट का दौर देख रहा है, पर क्या श्रीलंका के इस बदहाली के बाद दूसरे देशों पर भी इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है? भारत के दो पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश और साथ ही मालदीव और लाओस के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, और ये फिक्र खुद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जताई है। क्या इन तमाम देशों की मुश्किलों के लिए कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार है? सबसे पहले बात श्रीलंका की। लगभग 2,20,00,000 की आबादी वाले इस देश में न खाना मिल रहा है, न दवाइयां, न पेट्रोल मिल रहा है, न डीजल, और अगर कुछ मिल भी रहा है तो इतना महंगा जिसे खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है ताकि वो इन चीजों को दूसरे देशों से मंगा सके। वहां महंगाई 50% से ज्यादा बढ़ गई है, खाने की चीजों के दाम पिछले साल के मुकाबले 80% तक बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि श्रीलंका इस हाल में पहुंचा कैसे? दरअसल जब कोई देश विदेशी कर्ज वक्त पर नहीं चुका पाता, यानी उसके पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं बचती है कि वो कर्ज अदा कर पाए, तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। पिछले कुछ सालों से श्रीलंका कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था, और ये कर्ज ज्यादातर उसने चीन से लिया है। कई और देशों ने भी चीन से इसी तरह कर्ज लिया है। ऐसे में इन तमाम देशों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि चीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए इन देशों को पैसे दे रहा है, पर इन प्रोजेक्ट्स से मनचाहा फायदा तो मिल नहीं रहा, उल्टा आर्थिक जोखिम बढ़ रहा है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। मई के महीने से अब तक यानी कि 2 महीनों में पाकिस्तान में तेल के दाम 90% तक बढ़ गए हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है, जिससे संकट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान का भी विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार तो अब आधा ही रह गया है। महंगाई 13 सालों में सबसे ज्यादा है, और श्रीलंका की ही तरह यहां भी चीन का रोल है। पाकिस्तान ने 25% से ज्यादा कर्ज चीन से ले रखा है। संकट से बचने के लिए इसी हफ्ते IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण सौदा किया है। IMF फिर से पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है। बात अगर बांग्लादेश की करें तो इस बार मई के महीने में महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा थी। खर्च कम करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने कई चीजों के आयात पर रोक लगाई, सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा कम कर खर्च बचाने की कोशिश की। मालदीव में तो कर्ज उसकी GDP के 100% के बराबर हो गया है। श्रीलंका की ही तरह मालदीव की इकोनॉमी भी टूरिज्म पर निर्भर है। कोरोना महामारी ने इस देश की आर्थिक कमर पहले से ही तोड़ दी है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट एजेंसी JP Morgan के मुताबिक पर्यटन पर निर्भर मालदीव के लिए डिफॉल्टर बनने का खतरा बड़ा है, और साल 2023 यानी अगले साल के अंत तक मालदीव कर्ज के मामले में डिफॉल्टर साबित हो सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस पर भी विदेशी कर्ज को लेकर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। वहां लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 75,00,000 की आबादी वाले इस देश में भी श्रीलंका की तरह ही तेल के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग तो अपने रोजमर्रा के बिल भी नहीं चुका पा रहे। वहां की मुद्रा डॉलर के मुकाबले नीचे गिर रही है। लाओस ने भी चीन से भारी कर्ज ले रखा है। वहां के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रेलवे में चीन का निवेश है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने लाओस के 813 प्रोजेक्ट्स में करीब $16 अरब का निवेश किया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लाओस का विदेशी मुद्रा भंडार $1,30,00,000,000 के करीब ही रह गया है। पहले से ही महामारी ने दुनिया की आर्थिक मुश्किल बढ़ा रखी थी। ऐसे में कई देशों ने जो लंबे वक्त के लिए कर्ज ले रखा है उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। जब भारत के कई पड़ोसी देश मुश्किल में हैं, तो भारत के लिए फिक्र की कितनी बड़ी बात है, ये जानने की कोशिश की हमने एक्सपर्ट से। मैं जो परिस्थिति आप दूसरे देश में देख रहे हैं, शायद हमारा परिस्थिति वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार देख रही है कि दूसरे देश में क्या हो रही है, और उसको देख के अभी इंडिया भी वही स्टेप्स ले रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी के ऊपर ज्यादा किसी के ऊपर कम, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही बोलूंगी इंडिया का भी वो सिचुएशन नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ा है, और अभी जितना मतलब लग रहा है कि इंडिया इस टाइप का क्राइसिस शायद फेस नहीं करेगा।